देखिए, वार्ड 13 से मामला है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 की खुलेआम धज्जियां उड़ी है। यहां के जो मजदूर परिवार थे उन्होंने खुलकर सड़कों पर आकर इस वक्त विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध करने के कारण भी स्पष्ट है क्योंकि कोरोना महामारी का दौर है और ऐसे में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। जब स्वयंसेवी संस्थाओं ने अब खाना डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कमी कर दी है, खाना उनका कम हो गया है, कई संस्थाओं ने बंद कर दिया है, ऐसे में अब प्रशासन और जो वार्ड पार्षद है उनको लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है। इस वक्त जो लोग वार्ड 13 में है विरोध यहाँ पर हुआ है, उन्होंने विरोध किया है क्योंकि उनके पास तक सूखी राशन की सामग्री नहीं पहुंची है। खाने को लेकर भी उनका विरोध है कि वार्ड पार्षद की ओर से उन तक जो मजदूर परिवार है क्योंकि रोजगार अभी है नहीं, ऐसे में मजदूर परिवारों के पास इस वक्त कुछ भी करने के लिए और पैसे भी नहीं है, ऐसे में उनके पास तक खाना नहीं पहुंचा है और इसी को लेकर एक बड़ी समस्या यहाँ पर पैदा हुई। जैसा तस्वीरों में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कितनी सारे मजदूर परिवारों की महिलाएं हैं जो सड़कों पर उतरी हैं, विरोध प्रदर्शन उन्होंने शुरू किया है, पार्षद के खिलाफ नारेबाजी की है और प्रशासन से ये मांग की है कि जो सूखे राशन की व्यवस्था इस वक्त बनाई गई है उस व्यवस्था में संशोधन किया जाए क्योंकि देखने में यह आया है और जो आदेश निकला है उसके मुताबिक जो योजनाएं हैं केवल योजनाओं के अंतर्गत जो लोग आ रहे हैं उन्हीं लोगों को इस वक्त सूखी राशन की सामग्री असर विभाग के माध्यम से दी जा रही है। लेकिन एक बड़ी समस्या इस वक्त अजमेर के अंदर आ रही है कि जो लोग एपीएल कार्ड धारक हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड तक नहीं है लेकिन मजदूर परिवार हैं, उन लोगों को राशन इस वक्त दिया नहीं जा रहा और ऐसे में एक बड़ी समस्या देखने में मिल रही है कि यही वो लोग हैं जो सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो शिकायत है वो स्थानीय वार्ड पार्षद है उसको झेलनी पड़ रही है। प्रशासन के स्तर पर इस वक्त किसी प्रकार से कोई ज्ञापन या मांग पत्र या शिकायत पत्र नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि किसी को भी इन इलाकों से कलेक्ट्रेट तक आने की इजाजत फिलहाल है नहीं। ऐसे में जो नजदीकी जनप्रतिनिधि है उनको इन तमाम विरोध का सामना करना पड़ रहा है और एक बड़ी समस्या लोगों के सामने यह आ रही है कि जो लोग जो स्वयंसेवी संस्थाएं यहाँ पर खाना बांटने के लिए आती हैं उनके पास भी खाने की जो सामग्री होती है वो बहुत लिमिटेड लोगों की होती है लेकिन यहाँ पर जो परिवारों की संख्या है वो इतनी ज्यादा है जिसके चलते यहाँ पर कई परिवारों को इस वक्त खाना नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि सूखी राशन की जो व्यवस्था अभी प्रशासन की ओर से की गई है उसमें संशोधन किया जाए और संशोधन कर जो तमाम मजदूर परिवार के लोग हैं उन लोगों को भी राशन दिया जाए। उसके साथ साथ यहाँ के लोगों की एक मांग प्रशासन से ये भी है कि ब्यूरो के माध्यम से जो अभी सर्वे कराया गया था और उसके बाद कुछ चिन्हित परिवार चिन्हित किए गए थे, रिकॉर्ड तैयार किया गया था, उस रिकॉर्ड में भी संशोधन किया जाए, ब्यूरो को दोबारा से आदेश दिया जाए कि वो वार्डों में जाए और वार्ड में जाकर स्थिति देखे कि जहां मजदूर परिवार है जिनके एपीएल कार्ड है, इनएक्टिव कार्ड है, उन लोगों को भी राशन मुहैया कराया जाए और रसद विभाग के ऊपर इस वक्त एक बड़ा दबाव भी इस वक्त बना हुआ है क्योंकि कई शहर के कई इलाकों से इस वक्त हमारे पास भी ये सूचनाएं और खबरें आ रही हैं कि राशन के कई विक्रेता जो हैं वो एपीएल जो इनएक्टिव कार्ड धारक हैं उनको राशन नहीं मिल रहा है। ऐसे में बड़ी चुनौती भी इस वक्त बनी हुई है, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसे की कमी मजदूर परिवारों के घर में पड़ चुकी है, ऐसे में जो सस्ता राशन है और जो राशन विक्रेता है उनके वहां से अगर राशन की व्यवस्था हो जाए तो कहीं ना कहीं ये जो विरोध स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस वक्त झेलना पड़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, वो कहीं ना कहीं रुक सा जाएगा लेकिन कोशिश है कि प्रशासन इस मसले के ऊपर तुरंत प्रभाव से कोई बड़ा कदम उठाए। ये प्रदर्शन जो इस बात से किया गया है कि स्कॉर्पियो के लगे हुए आज 15-16 दिन हो गए हैं, वो यहाँ का जो वार्ड का जो वो पार्षद है भरत धोलखेड़िया वो आता ही नहीं है। अब यहाँ पे गरीब आदमी है, सब गरीब बस्ती है सब समझे, और मजदूरी है नहीं तो कोई भी सहायता नहीं मिल रही है, खाना लेके वो आते पैकेट सब खत्म होने के बाद में यहाँ पे खाली बाल्टी लेके आते हैं, वो किसी को 2 रोटी देते हैं, किसी को 1 रोटी देते हैं, पूरी देखभाल नहीं है। हाँ, और जिस घर के अंदर 10 मेंबर खाने वाले हैं वो 2 चपाती देके जाते हैं, वो सब्जी भी नहीं, तो उससे क्या होगा बताओ। गोलकड़े के पास आप गए थे? हाँ, हाँ, दो तीन बार गए, कोई सुनाई नहीं करते। आऊँगा अब आपके जो खाना आएगा मैं साथ आऊँगा, कोई आता ही नहीं है। तो आपकी घर गृहस्थी कैसे चल रही है? अब घर गृहस्थी से क्या, बड़ी मुश्किल से चल रही है, कभी इधर से उधार लेते हैं कभी इधर से उधार लेके काम चलाते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं।
आज तक तो किसी को नहीं दी, पूछ लो पब्लिक बैठी हुई है, मैं अकेला थोड़ी, पुलिस को पब्लिक को पूछ के देखो कौन सी जगह कहाँ पर है, पहले 13 साहब 17 है ये लिखा हुआ है, 17 है। तो पार्षद कौन आपके? भरत धोलखेड़िया है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम ग्यारसीलाल मोरिया। सर आज ये विरोध प्रदर्शन हमारे वार्ड पार्षद भरत धोलखेड़िया के लिए किया गया है, क्योंकि सर आज लॉकडाउन का 20 दिन होने वाले हैं आज, और आज तक ना तो कोई राशन, ना किसी प्रकार की सुविधा और ना किसी प्रकार की सहायता हमारे वार्ड मेंबर, ये हमारे जो लोग हैं उनको दी ही नहीं गई है, क्योंकि सर यहाँ पे जो भी है सारे व्यक्ति गरीब परिवार से, जो दिहाड़ी करते मजदूरी करते वो है, और इन ये रोज मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं, ना तो यहाँ पे किसी प्रकार की सहायता दी जा रही है, ना कुछ करा जा रहा है, और हमारे वार्ड पार्षद से हम जाते हैं तो हमारे को किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिलता है। पार्षद से शिकायत करी थी क्या आप लोगों? सर पार्षद के पास जाते हैं पर पार्षद किसी प्रकार का आश्वासन हमारे को देता ही नहीं, पार्षद तो सुनता ही नहीं कर रहा है, राशन का सील लगवा के लाओ। अपनों को दे रहा है या आप आम जनता को खाना वितरण कर रहा है? सर कभी अभी तक किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया है, और सर जो कराए जा रहे हैं वो सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए जा रहे हैं, और वार्ड पार्षद की जो जिम्मेदारी होती है वो पूर्णतः अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा। तो जितने परिवार घर गृहस्थी कैसे चल रही है उनकी? सर घर गृहस्थी बड़ी मुश्किल से चल रही है, बेचारे कहीं से उधार ला के कर रहे हैं, कहीं से क्या कर रहे हैं, जो अब जैसे कोई आ रहे कोई बाहर के मेहमान वगैरह इधर हमारे जो कर रहे हैं, और बाहर के जो लोग हैं आउटसाइड आउट वाइड जैसे चंदवदे के इधर एरिया जो बांटने आते हैं पैकेट्स चावल के रोटी के वो देके जा रहे हैं। हमारे वार्ड पार्षद ने आके यहाँ पे पूछा नहीं क्या? सर वार्ड पार्षद एक बार भी अभी तक यहाँ पे आया नहीं। जो खाना वितरण हो रहा है उसमें पार्षद क्या भरत धोलखेड़िया बांट रहा है, दूसरे पार्षद आ रहे हैं? सर कोई भरत धोलखेड़िया अभी तक आया नहीं, हमारे पहले जो शुरू में आए थे वो काकू हमारे मल्लू सर के पार्षद आए थे, उसके बाद ये आए हैं, और सर आते भी है तो सर एक बाल्टी लेके आते हैं और उसमें 100 रोटियां, और ये एरिया कम से कम 500 जनों का, अब एक बात बताइए सर एक बाल्टी सब्जी और 100 रोटियों से किस परिवार का क्या होगा? आज एक परिवार में अगर 10 सदस्य है उसमें अगर 5 रोटी देता तो उनका पेट नहीं भरा जा सकता। तो पार्षद ये जो खाना वितरण कर रहा है अपनों को दे रहा है या आम जनता को दे रहा है? सर आम जनता को भी दे रहा है, पर दे रहा है ऐसे गिने चुने को। अब सर जैसे कौन सी जगह कहाँ पर है? ये अपने पी रोड वार्ड नंबर 13 लोकू की चक्की, धीरज डीडवाणिया। क्या के VPL, खाद्य सुरक्षा, मजदूर डायरी और अंत्योदय योजना, इनके अतिरिक्त कुछ परिवार ऐसे भी है जिनके पास ना तो राशन कार्ड है ना वो है, तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो BLO से उन्होंने सर्वे करवाया था वो वापस सर्वे करें, एक एक घर को चिन्हित करें, जिससे कि इन योजनाओं से जो सूखी रसद सामग्री से जो वंचित है उनको भी मिल सके, और जो BLO ने पहले मतलब सर्वे किया वो वापस दोबारा हो। उनका कहना ये भी है सर कोई रोटी भी नहीं मिल रही है, क्योंकि वहाँ खासकर घरों पे पार्षद पहुँचा रहा है, हमारे को नहीं पहुँचा रहा। ये नहीं, ये गलत बात है, हम जैसे अपने हिसाब से हम स्वयं भी बनवा के और जो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं वो भी अवेलेबल कराते हैं, हम सभी को मिला के उन लोगों के पास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं करते हैं। आपके वार्ड वासियों का कहना है कि हमारे वार्ड के अंदर दूसरा पार्षद आके खाना वितरित कर रहे हैं, क्या ये सही बात है क्या? नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और जो मतलब वो इधर मुस्लिम मोहल्ले में इधर वो प्रशासन के द्वारा शकील भाई उनके साथ हम ही गए, उन्होंने मतलब वहाँ से क्या है कि 150 आदमियों का खाना दिया जा रहा है बस, तो वो बंटवा देते हैं शकील भाई। वहाँ पे तो ना तो मास्क है, ना सैनिटाइजर है, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना सोशल डिस्टेंस है, इसमें अगर सोशल डिस्टेंसिंग पाया जाता है तो आपका वार्ड पूरा दिक्कत में आ जाएगा जी। तो इसको लेकर आपने क्या जागरूकता मैसेज दिया और क्या प्रशासन से मांग की? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए तो हम यही कहते हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाए रखे, इकट्ठे नहीं हो, और जो आपकी बात आगे तक हम पहुंचा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से वापस फिर पहुंचा रहे हैं, ताकि जो वंचित है उनको भी मिले और वो मतलब दूर रहे जिससे बीमारी नहीं फैले। एक और क्षेत्रवासियों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद में एक बार भी आपने उनको अपनी शक्ल नहीं दिखाई है वहाँ पर। नहीं, ये गलत बात है, आप इसके बारे में अगर उन लोगों से आपने मालूम कर लिया तो यहाँ भी कुछ खड़े हैं आप और भी मालूम कर सकते हैं। एक जागरूकता की कमी है, मतलब इस तरीके से वो भीड़ जमा थी, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं, तो वो क्यों है वहाँ पर? जागरूकता की कमी ये है कि मतलब जो BLO सर्वे करके गया ना, स्थानीय लोग ये चाहते हैं कि दोबारा सर्वे हो जाए बस,
ये है ताकि उनके मन की वो निकल जाए। आपका नाम? आपका नाम? भारत दोलखेड़िया पार्षद वार्ड नंबर 13। आपके वार्ड के एक तरफ कोरोना की महामारी चल रही है और आपके वार्ड के अंदर युवा महिला एक तरफ यूं झुंड बना बना करके बैठी है बिना मास्क करके, तो वो इसके अंदर आपने क्या जागरूक किया आपके वार्ड वासियों को? उसके लिए साहब ये है कि मतलब जो कलेक्टर साहब के आदेश थे BLO मतलब सर्वे कर रहे थे, एक बूथ संख्या के 15 नाम लेंगे जो इन तीनों योजनाओं में नहीं है, BPL खाद्य सुरक्षा मजदूर डायरी अंत्योदय योजना। तो वो ये एक सेकंड वो ये चाहते हैं कि मतलब वापस से हो, क्योंकि जिनके नाम चयनित हो गए कुछ एक बूथ संख्याओं में वो सूखी खाद्य सामग्री वितरित भी हो चुकी थी, तो पड़ोसी ये सोच रहा मेरा नाम नहीं आया, ये बात है। 12 दिन हो गए, आप ये बताइए अपने वार्ड के अंदर जाके कितने बार सर्वे किया आपने? कई बार जाके आ गए। आपका नाम बताइए। भारत दोलखेड़िया पार्षद वार्ड नंबर 13।